भुट्टो फैमिली के फोटोग्राफर आगा फेरोज अमन तरफा लाड़काने शहर में शहीद बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों की 10 दिन नुमाइश लगाई वही। यह नुमाइश आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान लाड़काने में लगाई वही, जैमें शहीद बेनजीर भुट्टो जो 4000 यादगार तस्वीरू रखी हुई। आगा फेरोज अमन कराची के गुलस्तान जौहर वे इलाके रहवासी है, जो 30 साल तीन शहीद बेनजीर भुट्टो से गड फोटोग्राफी कह रो है। इन नुमाइश में शहीद जुल्फकार अली भुट्टे, शहीद बेनजीर भुट्टो, बिलावल, बख्तावर, आसफा ए बेगम नुसरत भुट्टो जो तस्वीरू रखल इन तस्वीरों में शहीद बेनजीर भुट्टो जो 30 साल अग जो यादगार तस्वीरू भी शामिल हैं। आगा फेरोज अमन बिना कें लालच के सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में शहीद बेनजीर भुट्टो जो 16 नुमाइशू लगे चुको है ए 24 शहर में अना संदस तस्वीरों की नुमाइश थियणी है। शहीद बेनजीर भुट्टो पंजन प्रोग्राम की फोटोग्राफी ला आगा फेरोज अमन के सदाई पा सा गड वी वी हुई। आगा फेरोज अमन के शहीद बेनजीर भुट्टो 2 भेरा 17 ग्रेड की नौकरी जहा ऑर्डर दिना पर इनकार कर छो हो। आगा फेरोज अमन धरती टीवी से गालाइंदे बुधाए तो गुजरल 30 साल का शहीद बेनजीर भुट्टो जो फैमिली फोटोग्राफर है। वह बिना कें लालच के शहीद बेनजीर भुट्टो से अकीदत सबब संदस तस्वीरू खी सजे मुल्क के अवाम के देखार चाहे तो। संदस चवण है जैसे वह नुमाइश में 10 रुपया भी टिकट वे हा तो लखे रुपया कमाए चुको हो जे हा। यादें आपको बताऊं कि बीबी सामने मेरे मौजूद हैं। बीबी साहब आके जब माशाल्लाह दौर था तो अच्छे अच्छे लोग उनके अंकल को छोड़ के चले गए थे, लेकिन हमने किस तरीके से उनके साथ निभाया है। उनका जाती घर का बंदा उस्मान साहब कह रहा ये गवाह देगा, नए लोगों को क्या पता हमारी कुर्बानी कि हम कैसे काम करते। कहीं मैं फकीर बन जाता था, कहीं मैं चाय वाला बन जाता था। बीबी नजरबंद थी, उनके राय के लिए बैनर लगा के मरी जाता था। सिंधी आबादी में कराची पूरा मुखालिफ था, सिंधी आबादी में जाके बोलते बीबी को रहा करो, बैनर लगाता था, फोटो खींच के बाहर भेजता था। पाकिस्तान में सेंसर था, भुट्टो साहब का नाम लिखना चुन था, पता आपको नाम लिखने में सेंसर था। हम उसके फोटो बना के बाहर जाके भेजते थे। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी 2 बेटे, सब कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अब इनकी तालीम मुकम्मल नहीं हुई है, तालीम मुकम्मल होगी तो हुकूमत को बोलूंगा कि बच्चों को नौकरी वोकरी कहीं दे दे। हम तो जब तक जिंदगी है मैं अपने मालकान की खिदमत कर रहा हूँ। हमारे मालकान दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बात बताऊँ, आपने सुना होगा कि नौकर जब मालिक जब दुनिया से जाता है नौकर अपने घर को जाता है। मैं वाइफ नौकर हूँ, मालिक दुनिया में नहीं है, उसकी गीत गा के लोगों को सुना रहा हूँ। कोई लालच नहीं है, कोई पैसा नहीं। गुलिस्तान जोहर में रहता हूँ, किराया मकान में रहता हूँ। अभी मैं 24 शहरों में और जाऊंगा, यहाँ से सक्कर, वहाँ से मुल्तान, पूरा पंजाब जाऊंगा, कश्मीर, गिलगित, फिर वापस लंदन जाऊंगा। लंदन में पोगा मेरा। सर देखिए, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, मेरे दिल में था, आज बोल रहा हूँ कि यूं तो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना चारों सूबे में मकबूल है, चारों सूबे में इसके चाहने वाले हैं। और जब भुट्टो साहब को शहीद किया गया तो पंजाब के लोग थे जिन्होंने आपको खुद को जलाया, ऐसे बात नहीं, पूरे पाकिस्तान में इसके चाहने मरने जीने वाले लोग हैं। लेकिन ये सिंध के रहने वालों को ये एहसास और ये फख्र है कि दुनिया के अजीम लीडर भुट्टो साहब जिसके जो खतूत सतह क्रिप्टन आए थे बाहर मुल्क से उनकी शहादत पे, वो पढ़ लें तो ये बोलेंगे कि भुट्टो साहब क्या लीडर था, पूरी दुनिया से खतरे थे। बेगम साहब पर पढ़ी थी, उसकी फोटोग्राफी पड़ी मेरे पास। दूसरी बात, दुनिया के अजीम लीडर बेनजीर साहिबा जो पूरे मुस्लिम ममालिक की पहली वजीर आजम थी, उनका ताल्लुक, इन दोनों का ताल्लुक सूबे सिंध से था। उनकी मादरी जुबान भी सिंधी थी और उनकी आखिरी आरामगाहें जो आलीशान मकबरा है, जो अपनी नींद सो रहे हैं, वो भी सिंध में है। लिहाजा ये एजाज और ये फख्र सिर्फ सिंध के लोगों को है और खासकर सिंधी स्पीकिंग को है। आगा फेरोज अमन की तस्वीरों की नुमाइश जो इफ्तिताह लाड़काने के DCO अब्दुल अलीम लाशारी कयो। यह नुमाइश सूबाई वजीर आगा सिराज दुरानी, सिंध असेंबली जो स्पीकर निसार अहमद खोड़ो, पीपी अगवाण, सहाफ़ी, लेखक, अदीब ए वे अंग में शहरी दिसण आया। नुमाइश दिसण लाय आयल अक्सर औरतू बेनजीर की तस्वीरों के दिसी लुड़क लाड़े वेठियो। असके एक गाल तो मैं दिसी डाडो दुख थे तो छो जो अजी असाजे नाहन शहर में आई बियो दिसी असके खुशी भी थी आ उनन जी तस्वीर दिसी आई याद ताजा थे थी पर अखिन में गोढ़ा भी अची वन त काश अड़ा शहजादा न वजन आन दुनिया में तो अस अल किथे पहुंचा आर्ट काउंसिल जी असि अना भी थी इतने नुमाइश आम तौर पर जो तस्वीर की नुमाइश होंगी ये तस्वीर की नुमाइश ना है, ये एक तारीख है। एक ही हाल में आगा फेरोज साहब जो तारीख के जमा किया
वो एकड़ी तमाम बड़ी उन मेहनत आए कोशिश आए काविश आए इन मानू के सलाम आए जेको इन शुरू वाले डीन का जडे पीपल्स पार्टी ठही आ दुख ही सुख में गड रहन इकड़ी तमाम बड़ी गाल आ हर मानू के वास की गाल न होंगी आगा फेरोज साहब जेका मेहनत कई है एकड़ी तारीख के एकड़ी जाए ते कठो कयो दस तो यो तारीख के शागिर्दन लाए एक तमाम वड़ी आम शै आए उनन के अगते हली या तमाम घणो फायदो दींदो नंढे लाए का वठी बेनजीर साहब जू तस्वीरू इन रखियू आन जमण का वठी वेंदे दफन थियण ताई रखियू आन यो एकड़ी तारीख जा चैप्टर जडे मानू नौजवान मानू के असा पढ़ाईंदा आयो तारीख बायोग्राफी पांजे लीडरन जे जिंदगी जे मुतालिक जान वा जान एकड़ी या त किताबी सूरत में दीदी थी वजे या मीडिया जे सूरत में दीदी थी वजे याने जेके मानु दिसी याद था कन एड़ी तरह इन तस्वीरी निमाइश जेका इन पुराने मानु आगा कईया सा तमाम इन वडो कम कयो आ तमाम सचो मानु आ है उनजो सबूत ही निमाइश जो आ हालांकि मानू अजकल झंडो भी ना आन कें तस्वीर भी कान्हे का पर ही दिसते जो है चार हजार तस्वीरों कठिन कई इनमें मां भी इन हेल्प कई 500 खन तस्वीरों मां भी डिन्न पर मसलो यो आ तो पांजो शौक इनके जिंदगी में मोतरो मां खुश थी इनके पीआरओ रख रहा है सीएम वहां नौकरी हुकूमत को हली वस वरी इनके प्लाट मिलो वो उते पुल ठही वही वो भी वेचारे के नसीब न थो ही वो सचो मानू है जे पांजी हेतरी कारकर्दगी अज तक निभाई तो अचे नुमाइश दिसण ईंदड़ अक्सर मानू जो यो ही चवण हो त खेन हिते अची दिल्ली सुकून मिलो आहे ऐं हू इएं महसूस करे रहा हुआ त शहीद राणी बेनज़ीर भुट्टो अॼु बि साणनि गॾु आहे।